एक साधु नदी के घाट के किनारे अपना डेरा डाले हुए थे। वहाँ पे घुनी रमाकर दिन भर बैठा रहता था और बीच बीच में ऊंची आवाज़ में चिल्लाता, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। उसकी बातें सुनकर अनसुना कर देते और जो सुनते थे वो साधु के ऊपर हंसते थे। एक दिन एक बेरोज़गार युवक उस रास्ते से गुज़र रहा था। साधु के चिल्लाने की आवाज़ उसके कानों में गूंज पड़ी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। यह वाक्य सुनकर वह युवक साधु के पास आया और उससे पूछने लगा, बाबा आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे हो, क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ? साधु बोले, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो। बाबा मैं चाहता हूँ कि मैं एक दिन हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनूँ, क्या आप मेरी इच्छा पूरी कर सकते हो? युवक बोला। उस पे साधु बोले, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, उससे तुम जितने चाहो हीरे और मोती बना लेना, साधु बोला। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा के ज्योति चमक उठी। फिर साधु ने उसे अपने दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपनी हथेलियां साधु के सामने रख दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा ये दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है, इसे समय कहते हैं, इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो, इसके द्वारा तुम जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो, इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखकर कहा, बेटा यह दुनिया का सबसे कीमती मोती है, इसे धैर्य कहते हैं, जब किसी कार्य में समय लगने के बाद भी तुम्हें मनचाहे परिणाम प्राप्त न हो तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना, यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वह हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कर वहाँ से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्ति के दो गुरु मंत्र मिल गए थे। उसने निश्चय किया कि वह कभी अपना समय व्यर्थ नहीं गवाएगा और सदा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना प्रारंभ किया। कुछ वर्षों तक दिल लगाकर व्यवसाय का हर गुण सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नाम के हीरे मोती अपने साथ रखें और अपना समय कभी व्यर्थ न जाने दें और कठिन समय में धैर्य का दामन न छोड़ें, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो। यदि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।